हेलो एवरीवन, प्लीज ज्वाइन एवरीवन। टुडे इज बी स्टार्टिंग द टॉपिक इज ऑल अबाउट, आज रिसर्च डिजाइन की हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे हम लोग आज रिसर्च डिजाइन के अलावा कलेक्शन ऑफ डेटा की। प्लीज ज्वाइन एवरीवन सो वी कैन स्टार्ट द टुडेज क्लास दैट इज ऑल अबाउट द रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च व्हाट वी कॉल रिसर्च कलेक्शन ऑफ डेटा। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टडी ओनली वी हैव बीन डिस्कस अबाउट द, हम लोगों ने कई सारी रिसर्च डिजाइन की बात कर लिया था, जैसे कि फिक्स बात क्या कर लिया था, फ्लेक्सिबल सॉरी अब बेसिक फंडामेंटल प्योर की कल हम लोगों ने बात कर लिया था पूरी तरीके से। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल प्योर के बाद हम लोगों ने कल बात कर लिया था एक्शन रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। पांच रिसर्च डिजाइन की कल हम लोगों ने बात कर लिया था। तो बचे हुए सब लोग जल्दी ज्वाइन करिए, आज हम लोग नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे। तो उससे पहले सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट कर सके हम लोग। आज रिसर्च डिजाइन में हम लोग कौन कौन सी रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन सी रिसर्च? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पहले ज्वाइन करिए सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। वी आर वेटिंग फॉर अनदर 2 मिनट। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम लोग पहला बात करेंगे, कल उन्होंने कल वाले को डाउट जो बताइए। फर्स्ट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम लोग बात करने वाले। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो जो लोग भी बचे हुए ताकि सेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकें। ओनली वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हु हैव बीन ज्वाइन टुडे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जहां पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमेशा, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, आई थिंक सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया जो लोग भी ज्वाइन करना था, यस। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो हमेशा हाइपोथेसिस से स्टार्ट होती है। इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस, परिकल्पना के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल बेसिकली हम लोग एक साइंस में ही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या हम लोग साइकोलॉजी में सर्टेन जहां पर एक्सपेरिमेंट करना होता है, प्रयोग करना होता है, ऐसी सारी जगह पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं, एक फैक्टर्स के बढ़ने से दूसरे फैक्टर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे तब समझ में आएगा। इसमें दो चीजें होती है, कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, कंट्रोल्ड ग्रुप और एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू द रिसर्च, और वेयर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड, उनको मैनिपुलेट करते हैं, आर मैनिपुलेटेड
एंड अप्लाइड टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स टू मेजर देयर इफैक्ट ऑन द लेटर. द इफैक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द इफैक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एंड द रिसर्चर क्या कहता है, रिसर्चर इन ड्राइंग रीजनेबल कॉन्क्लूजन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइम्स. ठीक है, तो हमारी जो भी ये रिसर्च होता है पूरा, ये ऑलवेज स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस. हमने आपको बताया कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात किया, कंट्रोल्ड ग्रुप की बात की, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात करा, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से मेनली हम लोग कहीं ना कोई सर्टेन एक कोई प्रयोग करना होता है ऐसी जगह पर हम लोग डिस्क्रिप्ट इसका या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है. जैसे नॉर्मली हम लोग बात करेंगे कि एज बैरीज द आईक्यू, एज बैरीज द आईक्यू. जैसे कि एक सिंपल एजम्पशन होता है कि एज के बढ़ने से आईक्यू बढ़ता है, लेकिन अगर आप एज बैरीज द आईक्यू तो इस पे रिसर्च क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, यू हैव टू बी प्रूव इन अ सच अ मैनर. आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एज का हमारा आईक्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एज का हमारा आईक्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अब उसमें क्या करेंगे कि ऐसे कुछ लोग पिक करेंगे हम, तो एज क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. भाई आईक्यू क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट, तो आईक्यू किस पे डिपेंड है, एज पे. आईक्यू मेरा किस पे डिपेंड है, एज पे. जो लोग लेट ज्वाइन किए उनको बता दें, हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं. ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसमें एक कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, और इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस, परिकल्पना के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो मुख्यतः हम लोग मेनली हम लोग इसमें साइंसेस में कुछ ऐसी चीज प्रूव करना चाहते हैं, जहां कुछ ऐसे परिणाम निकालना चाहते हैं, वहां पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है. जैसे एक कॉमन एजम्पशन होती है कि एज बैरीज द आईक्यू, कि एज के बढ़ने से हमारा आईक्यू बढ़ता है, बट ये कोई इस पे कोई रिसर्च तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चों का एज कम होगा तो आईक्यू भी उनका कम होता है. जैसे जैसे एक नॉर्मल एक जो हैंस प्रूव्ड वाली स्टडी कहती है, वो ये कहती है कि एज के बढ़ने के साथ साथ आईक्यू बढ़ता है, तो इस पे कोई रिसर्च तो है नहीं. लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्या दिखाएंगे, प्रूव करेंगे कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ द एज ऑन द आईक्यू, एज का आईक्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देयर आर सम अदर फैक्टर व्हिच इज एक्चुअली इंपैक्टिंग ऑन द आईक्यू. तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल. तो एज हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईक्यू हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. आईक्यू हमारा डिपेंडेंट है किस पे, एज पे. और एज जो हमारा, ये समझ लीजिए, इसमें हमारे एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक हमारा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है. अब एज को चाहकर भी बड़ा घटा नहीं सकते, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही वेरिएबल होगा जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैनिपुलेट करना होगा. बट एज को आप मैनिपुलेट, आप अपने जानबूझ के, आप सोचो कि किसी की एज बढ़ा दें या कम कर दें, उससे बढ़ाने या कम होने से एज नहीं होगा. एक सर्टेन जो सिक्वेंस बना है पूरे एक नेचर का, प्रकृति का, समय के साथ हर इंसान की उम्र, हर इंसान की चीज, आपकी एज बढ़ेगी. तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट फैक्टर है, किसी के बढ़ने घटने से किसी भी चीज का इंपैक्ट नहीं पड़ता, आप किसी की एज को घटा नहीं सकते. सूत्र है कि स्टॉपिंग योर बॉस टू सेव द टाइम. ऐसा नहीं कि आप अपनी घड़ी रोक देंगे और आपका टाइम बच जाएगा, घड़ी रोकेंगे आपकी उम्र कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. तो एज इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होता है जिसका किसी फैक्टर्स का एज, किसी वेरिएबल्स का उस पे दूसरे पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़े. तो एज बैरीज द आईक्यू में आपको रिसर्च क्या करना है कि एज का आईक्यू पे प्रभाव नहीं पड़ता. आप देखोगे एज का नहीं पड़ता, देयर आर सम अदर फैक्टर्स, कि उसमें आप लर्निंग एबिलिटी की बात कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर सकते हैं, एनवायरमेंट की बात कर सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड की बात कर सकते हैं, स्किल्स की बात कर सकते हैं, उन सारी चीजों का आईक्यू पे प्रभाव पड़ रहा है, बट एज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा. तो एक इसमें होता है कंट्रोल्ड ग्रुप, एक होता है कंट्रोल्ड ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. तो कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हम लोग मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे. हम लोग कुछ ऐसे कम एज वाले लोग उठाएंगे या ज्यादा एज वाले, आईक्यू से बात नहीं करेंगे. तो कुछ एक कम एज के लोग उठाइए या ज्यादा एज के लोग उठाइए, इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू. ठीक,
तो ऐसे लोगों को एज को हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, मैनिपुलेटिंग द इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल्ड ग्रुप है वो, तो उसमें तो कंट्रोल्ड है, उसमें आप कुछ छेड़छाड़ उसमें कुछ भी आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लोग दिखाएंगे। और एक्चुअली में इट हैज बीन प्रूव्ड। आपको आज के देखिए 4 साल 5 साल 7 साल के बच्चों का ज्यादा IQ हो रहा है एज कम्पेयर टू द पीपल्स, एज कम्पेयर टू द पर्सन हु आर हैविंग द एज ऑफ 20 22 और 30 35। बिकॉज एज का बहुत ज्यादा IQ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, देर आर सर्टेन अदर वेरिएबल्स एंड अदर एट्रीब्यूट्स विच इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग ऑन द व्हाट वी कॉल IQ। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अंडर द कंट्रोल सेटिंग, अंडर द कंट्रोल सेटिंग वी चेक द इंपैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंपैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर? तो समझ गए कि क्या है, हमने आपको क्या क्या बताया इसमें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक अब कोई प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिकली हम लोग कुछ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस के बाद बताया कॉज इफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया एज वैरीज द IQ, एक बड़ा दूसरा कॉमन एग्जांपल हम लोग देते हैं जिससे बच्चे आराम समझ जाते हैं कि रेनफॉल अफेक्ट द एग्रीकल्चर, रेनफॉल अफेक्ट द एग्रीकल्चर। अब देखिए सबको पता है कि ज्यादा अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश से एग्रीकल्चर हमारा रेनफॉल पूरी तरह से एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। तो ये सो कुछ रिसर्च वाला बात नहीं है, आपको क्या प्रूव करना है कि रेनफॉल डज नॉट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। और एक्चुअली इट हैज बीन प्रूव्ड इन US इन सम डेवलप्ड कंट्री जहां पर उन्होंने ड्रॉट फॉर्मिंग की बात करना शुरू कर दिया है, मतलब बिना पानी के देव स्टार्टेड सर्टेन द फॉर्मिंग। तो रेनफॉल अफेक्ट द एग्रीकल्चर ये कॉमन एजम्पशन है, लोग मानकर चलते हैं, बट वॉट एक्चुअली यू हैव टू बी प्रूव्ड कि रेनफॉल डज नॉट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। आप किसी तरीके से खेती करें, कुछ उसमें केमिकल डालें, फर्टिलाइजर डालें, कुछ किसी भी तरीके से काम करें, और आपको दिखाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर पे रेनफॉल का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और एक्चुअली लोगों ने बहुत सारी जगह डेवलप्ड कंट्रीज में, स्पेशली हम लोग US की बात करें, दे हैव बीन प्रूव्ड देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल, अगर रेनफॉल नहीं होगी उसके बाद भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी करके उन्होंने दिखा दिया। तो देयर आर वेरी टू कॉमन एग्जाम्पल, तो एज वर्सेस एज वेरीज द IQ, रेनफॉल अफेक्ट द एग्रीकल्चर। तो कोई भी दो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, एक हम लोग उसमें इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं, और उस पर दिखा रहे हैं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि एज का IQ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये तो सबको पता है कि एज बढ़ने से IQ पड़ता है, बट आपको ये दिखाना है कि एज का IQ पे प्रभाव नहीं पड़ता, देयर आर सम अदर एट्रीब्यूट्स व्हिच इज एक्चुअली इंपैक्टिंग। ये आप आजकल आप ये देख भी सकते हैं कि एक्चुअली में यही हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को सराउंडिंग के चक्कर में, लर्निंग के चक्कर में, फैमिली बैकग्राउंड के चक्कर में, मोबाइल टेक्नोलॉजी के चक्कर में, दे आर मोर मोर होता कि मोर IQ दे आर हैविंग एज कंपेयर टू द पीपल्स हु आर हैविंग द एज ऑफ 30 या 35। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे पेशेंट रिसर्च। तो आपको कौन कौन सी बता दिया हमने, फिक्स स्टार्टिंग बताया था, बेसिक फंडामेंटल एंड प्योर, अप्लाइड रिसर्च हमने आपको पूरा बता दिया, एक्शन रिसर्च हैव बीन डिस्कस विद यू, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने पूरा बता दिया, एक्सपेरिमेंटल हमने पूरा आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इवेल्युएशन रिसर्च। कोई डाउट हो एक्सपेरिमेंटल में प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, क्योंकि पेपर आप लोगों को पता ही है कि जून में होना, तो आप लोग आराम से पूरा, क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेट के बाद अगर PhD भी करेंगे तो आपको बेसिक रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि व्हाट इज ऑल अबाउट द रिसर्च। आप अपनी रिसर्च करेंगे, कोई इंग्लिश में करेगा, कोई मैथ में करेगा, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, तो कहीं ना कहीं पेपर बन तो सभी के लिए कॉमन है, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जैसे एडुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, जहां पर पेपर 2 का भी पार्ट है, रिसर्च में पेपर 2 में भी आती है।
तो इससे एक एक तो नेट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल दोस कैंडिडेट्स जो आगे अपने डॉक्टरेट की डिग्री लेना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। चलो आगे हम लोग बात करते हैं इवेल्युएशन रिसर्च। इवेल्युएशन रिसर्च क्या होता है, कुछ इवेल्युएट करने की हम लोग बात करते हैं कि डिटरमाइन द इंपैक्ट ऑफ सोशल इंटरवेंशन, इंपैक्ट ऑफ सोशल इंटरवेंशन। ठीक, तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं ऐसी जगह पर हम लोग इवेल्युएशन रिसर्च की यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर ना, कि सर्टेन जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, कि इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन द सर्टेन सोशल स्कीम्स, सोशल प्रॉब्लम्स पे। तो सोशल सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, आप सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, आप लिटरेसी रेट इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो चाइल्ड गर्ल्स एजुकेशन की इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो समाज की जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी जगह पर हम लोग इवेल्युएशन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट एक्चुअली बी टू डू, हम लोग इवेल्युएशन रिसर्च के थ्रू एक सोशल इंटरवेंशंस का इंपैक्ट चेक करने की इसमें बात करते हैं। इसकी मेन चार स्ट्रेटजीज होती हैं जिसकी तरीके से हम लोग इसको इवेल्युएशन रिसर्च को प्रयोग करते हैं। पहला होता है इसमें साइंटिफिक, साइंटिफिकली भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। साइंटिफिक में हम लोगों के पास क्या, एक्सपेरिमेंटल मॉडल, सेकेंड है, पहला साइंटिफिक हो गया, दूसरा हो गया मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ओरिएंटेड ओरिएंटेड में क्या होता है, दो चीज होती है, पार्ट होता है ये, एक होता है सीपीएम, ये मैनेजमेंट के बच्चे होंगे जो लोग, उनको पता होगा, ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ाते हैं आप लोग, केवल याद कर लीजिए, और सब्जेक्ट जो बच्चे हैं। पार्ट की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड्स। तो पहली होगी साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं, दूसरा मैनेजमेंट ओरिएंटेशन की बात करते हैं, थर्ड हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड, पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड। अब पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड क्या होता है कि ये क्लाइंट सेंट्रिक होता है या स्टेक होल्डर अप्रोच, अभी आपको एग्जांपल से बताएंगे उससे समझ में आएगा। इधर इट्स ए क्लाइंट सेंट्रिक और स्टेक होल्डर अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच। फोर्थ इज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। तो चार स्टडीज होती हैं, इससे पहला हमने बोला साइंटिफिक में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन में पार्ट सीपीएम से आप कुछ ना कुछ उसके बाद कर निकाल सकते हैं परिणाम। पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड जैसे कि बात करें कि सरकार की योजनाओं का आप लिटरेसी रेट पे क्या इंप्रूव हुआ है, जैसे सरकार डेटा दे रहा है कि मान लीजिए कि लिटरेसी रेट हैज बीन इंप्रूव सो फॉर आफ्टर द सो मेनी स्कीम्स, कि इतनी सारी स्कीम्स के बाद मान लीजिए कि लिटरेसी रेट इंप्रूव हो गया, मान के चलिए सरकार बोल रही है, बट आपको अगर मतलब एक्चुअली में अगर कोई परिणाम चेक करने हैं तो एक्चुअली में जाइए मार्केट में जाइए, जिनके ऊपर बोले कि जो लोग अनएजुकेटेड लोग थे उनसे पता, उनसे पूछिए कि एक्चुअली में कि जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान की बात करिए, लिटरेसी रेट इंक्रीज की बात किया, गर्ल्स एजुकेशन की बात किया, तो क्लाइंट सेंट्रिक अगर एक्चुअल में क्लाइंट से पूछेंगे, पॉपुलेशन से पूछेंगे, पब्लिक से पूछेंगे तो सही परिणाम आएंगे। ये स्टेक होल्डर अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच का मतलब है जो लोग भी पूरे सप्लाई चेन में, या बोले टीचर की बात करिए आप, या जो पूरे एजुकेशन सिस्टम में जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उन लोगों से पूछेंगे तो आपको परिणाम सही निकल के आएंगे, सरकार का डेटा कुछ भी हो सकता है। तो पार्टिसिपेंट ओरिएंटेशन का मतलब है जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस इवेल्युएशन रिसर्च में,
जो भी पार्ट है उसके, उनसे अगर डेटा भरवाएंगे, उनसे अगर हम एक्चुअली में इंटरव्यू लेके परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। क्वालिटेटिव एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच होता है, इसमें होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, आपका ऑब्जर्वेशंस कितना तेज है, जितना अच्छा ऑब्जर्वेशंस होगी उतना अच्छा आपका डेटा बढ़िया होगा। तो इवोल्यूशन रिसर्च इज ऑल अबाउट, हमने बताया कि डिटरमाइन द इंपैक्ट ऑफ द सोशल इंटरवेंशंस, और जहां पर सरकार के प्रोग्राम्स की, सरकार के स्कीम्स का सर्टेन सोशल प्रोग्राम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या इम्पैक्ट पता करने की कोशिश करते हैं आप। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया सरकार की स्कीम्स का, सामाजिक स्कीम, सामाजिक समाज पे या समाज की प्रॉब्लम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसी जगह पर इवेल्युएशन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। चार मेनली स्टडीज होती हैं इसमें, एक साइंटिफिक स्टडीज, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, पार्टिसिपेंट ओरिएंटेशन एंड क्वालिटेटिव एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। दिस इज ऑल अबाउट द इवेल्युएशन रिसर्च। नेक्स्ट हमारी आती है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है बताइए, कोई बताएगा? अभी बताएंगे, अभी बताइए। इवेल्यूएशन में कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज, एनीबडी से हैविंग एनी डाउट डू टेल मी, किसी को कोई डाउट हो तो। आप लोगों को समझ में आ रहा ना? हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में आज पूरी रिसर्च डिजाइन खत्म करेंगे, कल हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे। आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा नोट्स, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे पूरी रिसर्च डिजाइन की। वैसे तो सब पीपीटी में सब कुछ हमने आपको बताई दे रहे हैं, एक बार आप लोग ना समझ में आए तो अगर वीडियो और देख लीजिएगा आप, दोनों वीडियो, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हिस्टोरिकल रिसर्च की हम लोग जब बात करते हैं, इसमें होता है कि हिस्टोरिकल में कोई ऐतिहासिक चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। टू एग्जामिन द पास्ट इवेंट, ऐसी सारी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी हैं, ऐसी जगह पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, या ताजमहल पर रिसर्च कर रहे हैं, या आप नालंदा विश्वविद्यालय पर रिसर्च कर रहे हैं, लाल किला पर रिसर्च कर रहे हैं, या बाबा भीमराव अम्बेडकर पर रिसर्च कर रहे हैं, या कोई सर्टेन पास्ट में कोई ऑथर थे, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो भी ऑथर्स पे कुछ सर्टेन चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई सर्टेन घटनाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसी सारी जगह पर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जामिन द पास्ट इवेंट की हम लोग इसमें बात करते हैं, इट इज मोर क्वालिटेटिव इन नेचर, मोर क्वालिटेटिव इन नेचर, मोर क्वालिटेटिव इन नेचर, ये मोर क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, कोई क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती, मोर क्वालिटेटिव इन नेचर होती है इसका। देखिए ना, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग मेनली पूरी सेकेंडरी डेटाबेस होती है, प्राइमरी डेटा तो इसमें आपको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल ही होगा, क्योंकि स्टोर बहुत पुरानी चीजों पर, आप ताजमहल पर प्राइमरी डेटा क्या कलेक्ट करेंगे? तो उसका अगर इम्पैक्ट देख रहे हैं, उसका कुछ पर्टिकुलर उसकी सुंदरता के बारे में कुछ बात करेंगे आप, तो आपको कहीं उनके जो वहां पे जा रहे हैं लोग, उसको देखने वाले टूरिस्ट, उनसे आप डेटा बनवा सकते हैं। बट अगर कोई हिस्टोरिकल रिसर्च में, इसीलिए इसको पास्ट इवेंट को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, क्वालिटेटिव इन द नेचर होता है, तो पूरी सेकेंडरी डेटाबेस ये रिसर्च होती है। बट इस जो हम लोग इसमें दो चीजें होती हैं, जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम लोग प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा नहीं है ये सेकेंडरी डेटा के ही अंदर दो चीजें हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स होता है कि जैसे को हम लोग बोलते हैं कि रैलिक रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स, रैलिक रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल चीज है, जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल आपको कुछ चीजें मिल गई, ताजमहल अभी दिख रहा है, या आज से 500 साल पहले किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो उसकी कुछ आपको सर्टेन रिमेन्स मिल गए, आर्टिफैक्ट्स मिल गए, रैलिक्स जो कुछ बचा, रिमेन्स कुछ बचा हुआ है। सो ओरिजिनल किसी चीज, किसी जिस चीज पर रिसर्च कर उसकी कुछ ओरिजिनल चीजें आपको मिलती हैं, ओरिजिनल ऑथर के द्वारा कोई चीज मिलती है, या जिसने कुछ जिस उसके लिखी हुई खुद की किताब मिलती है, वो सब रैलिक रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स में आएगा। भाई हम लोग जब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की बात करेंगे, इसमें सेकेंडरी सोर्सेज में होगा टेक्स्ट बुक, न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स,
आर्टिकल्स, पीरियोडिकल्स, तो सेकेंडरी सोर्स होता है उन चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर घटना के बारे में, पर्टिकुलर थिंग के बारे में, किसी ने उसके बारे में कुछ लिखा है, दूसरे इंसान ने कुछ लिखा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किस रिसर्च का होता है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज वी हैव टू बी रिलाय ऑन द ऑथर। तो कहीं ना कहीं देखिए ना, आपको भी पता है इतिहास को, भारत के इतिहास की हम लोग बात करेंगे, हिस्ट्री की, बहुत सारे लोगों ने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर उसको को प्रेजेंट किया है, और सब लोगों की, एवरी वन इज हैविंग देयर ओन परसेप्शन टूवर्ड सर्टेन हिस्टोरिकल थिंग्स। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि कहीं ना कहीं जो एक ऑथर है उसका माइंडसेट क्या है, वो व्हाट आर द एक्चुअली वो क्या एनालाइज कर रहा है, उसी के बेसिस पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है क्योंकि मेंटेलिटी जो एक कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है किसी इंसान की, कोई कोई वामपंथी है, कोई लेफ्ट वाला, कोई लेफ्ट विंग का है, कोई राइट विंग का है, तो कहीं ना कहीं उससे आदमी का जो पर्सनालिटी होती है, वो जब पीएचडी लिखते समय, रिसर्च करते समय, वो उसके सामने चीजें आ जाती हैं। तो आप ओरिजिनल तो कुछ है नहीं, प्राइमरी डेटा तो कुछ है नहीं, सेकेंडरी सोर्सेज आपको किताबों में भरोसा करना पड़ता है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इस, क्योंकि बायसनेस हो जाती है इसमें, जो ऑथर होता है वो बायस होके क्या करता है, बायस होके, बायस ऑन द एक्यूरेसी एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द राइटर, एक्यूरेसी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑथर। ऑथर कितना कॉम्पिटेंट है, कितना कॉम्पिटेंसी है उसका, उसके अकॉर्डिंगली समझ में आएगा कि रिसर्च ठीक हुआ है या गलत हुआ है। तो एग्जामिन हिस्टोरिकल रिसर्च ऐसी जगह पे करते हैं, सारी घटनाएं, एग्जामिन द पास्ट इवेंट, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं जी, मोर क्वालिटेटिव इन द नेचर। इसका डेटा दो तरीके से मिलता है, एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स जिस चीज पर रिसर्च करो उसकी ओरिजिनल चीज आपको कुछ मिलती है, उस इंसान की खुद की किताब मिलती है, वो प्राइमरी सोर्स में आएगी। रैलिक हो गया, रिमेन्स हो गया, हड़प्पा की खुदाई, तो बहुत सारी चीजें हड़प्पा की खुदाई में आपको कुछ ना कुछ चीजें, ओरिजिनल चीजें वहां से मिली, वो सब रैलिक, रिमेन्स, आर्टिफैक्ट्स में आएगा। उसके बारे में किसी ने टेक्स्ट बुक में लिखा, न्यूज़पेपर में लिखा, वेबसाइट्स में लिखा, आर्टिकल्स में लिखा, उसको हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। मोस्ट क्रिटिसाइज रिसर्च डिजाइन दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। क्लियर? कोई डाउट हो बताइए। अगली बात करते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च, आपको डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक एक साथ ही बताते, समझ में आएगा। तो डाउट है तो बताइए। हाँ चैनल टू हैव बीन ज्वाइन टुडे इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा आपको? आप पहली बार रिसर्च की क्लास ले रही हैं, सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका? रामा गुप्ता, आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? समझ में आएगा, आई होप उससे आपने पहली बार क्लास ज्वाइन किया हो,
समझ में आएगा आपको। पुरानी वीडियोस भी रिसर्च की देखिए, दो तीन बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। नहीं आता है तो सब्जेक्ट क्या है आपका ये बताइए पहले। हाँ अच्छा, तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज जो आप बिन ज्वाइंड इन अ वेरी फर्स्ट टाइम टूडे, उससे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, और ऑफलाइन कोचिंग में भी आपको रिसर्च पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। आपने पहली बार आज ये बिल्कुल नया नया चीज आपको मिल रहा है पढ़ने को, उससे इसलिए आपको समझ में ना आ रहा। आप बेसिक से देखेंगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। आप बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च और प्रोग्नोस्टिक रिसर्च की, हम लोग बात करेंगे। डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है कि थिंग्स आर ऑलरेडी ऑलरेडी हैपेंड, मतलब जब हम लोग मेडिकल साइंस में लोग मेनली डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पास पहले से डिजीज होती है, बस वो क्या करता है, प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है और उसको क्योर करता है। तो जहां पर थिंग्स और ऑलरेडी, थिंग्स आर ऑलरेडी हैपेंड, इसमें हम लोग डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, फाइंड द कॉजेस। क्यों डॉक्टर क्या करता है, आपको मान लो फीवर है, वो क्या करता है, चेकअप करता, आपको कुछ चेकअप लिखेगा, आप चेकअप कराएंगे आप कहीं लैब में जाके, उसके बाद आपको आपके क्या पर्टिकुलर बीमारी डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद उसको वो दवा देता है और प्रॉब्लम को क्योर कर देता है। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में थिंग्स आर ऑलरेडी हैपेंड, पहले से चीजें हो चुकी होती हैं, उसमें हम लोग कारण पता करने की कोशिश करते हैं, किन कारणों की वजह से ये चीज हुआ है, ऐसी घटना हुई है, फाइंड द कॉजेस, और उसके बाद हम लोग उसको प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं, क्योर द प्रॉब्लम। मुख्यतः इसको मेनली हम लोग इसको मेडिकल साइंसेस में यूज करते हैं, मेनली यूज इन अ मेडिकल साइंसेस। तो याद रखिएगा, जैसे नॉर्मली आपको अगर एग्जाम्पल डॉक्टर वाला रहेगा याद, तो याद रहेगा हमेशा नॉर्मली डायग्नोस्टिक रिसर्च कैसे, नॉर्मली आपका कोई बीमारी है, आपको कुछ सर्टेन सिम्टम्स लग रहे हैं, आप डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं, व्हाट द डॉक्टर, आप लोग को डॉक्टर क्या बोलता है कि ठीक है आप एक पर्टिकुलर टेस्ट करा के आइए, लैब में जाके ब्लड टेस्ट कराइए, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, फिर लैब वाला उस चीज को डायग्नोज करता है, आपको डायग्नोज करने के बाद रिपोर्ट देता है, डॉक्टर देखता है कि दीज मेनी थिंग्स हैव बीन डायग्नोज बाय सर्टेन रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद डॉक्टर उसको क्या करता है, क्योर करता है। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है कि थिंग्स आर ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, ऐसी सारी चीजों को फिर कारण पता करने की कोशिश करते हैं, फाइंड द कॉजेस, और फिर प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। भाई प्रोग्नोस्टिक रिसर्च की हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग टू फाइंड आउट द रिलेशंस बिटवीन द प्रिडिक्टर एंड आउटकम, प्रिडिक्टर एंड आउटकम्स, ठीक। यहां पर हम लोग फाइंड आउट द रिलेशंस पता करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्टर आउटकम्स में रिलेशंस क्या होता है, एंड फाइंड द कोर्स ऑफ एक्शन। अभी आपको समझ में आएगा, एग्जांपल देंगे उससे। देखिए यहां पर अर्ली डिटेक्शन की हम लोग बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, मतलब पर्टिकुलर चीज, जैसे कोरोना है, अब कोरोना, बट कोरोना की ब्रीड को पूरा, कोविड की पूरी ब्रीड को खत्म करना सोसाइटी से, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। तो कोरोना की उसको खत्म, अब जो दवा बन रही है कोरोना की, जो कोविड की जो वैक्सीन बनी, उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस फॉलो करा गया होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। तो ऐसी कोई भी डिजीज को पूरी सोसाइटी से खत्म करना, उसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। वेन वी वॉन्ट टू बी रिमूव द ब्रीडिंग, और पर्टिकुलर उसके कारण क्या होते हैं कोरोना के, उन सब चीजों को खत्म कैसे होगी, आप सबको वैक्सीन लगा देंगे, उससे क्या होगा, आपको एक एंटीबॉडीज बनेंगी, आपको कोरोना नहीं होगा। तो ऐसी जगह पर, तो उस पर्टिकुलर बीमारी को पूरी सोसाइटी से खत्म, उसकी पूरी ब्रीड खत्म करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। भाई उस एक इंसान के, इंडिविजुअल्स के अंदर बात करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल के इंसान से कोरोना को खत्म करना, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च। प्रोग्नोस्टिक भी हो गया, डायग्नोस्टिक भी हो गया। लास्ट अब बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और चयनात्मक आई थिंक बोलते हैं। तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च की हम लोग बात करते हैं, इसी में इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच हमारा फॉलो करते हैं।
डाउट तो बताइए। ऑल दोज कैंडिडेट हू हैव बीन ज्वाइंड टुडे इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, और जो लोग ऑफलाइन कोचिंग में भी आ रहे हैं, तो आप लोग को कोचिंग में भी पुराना एक बार, दो बार, तीन बार और रेपिटेटिव करके आपको डिस्कस कराया जाएगा, तो आप लोग को चीजें समझ में आएंगी। अगर आप पहली फर्स्ट वीडियो से चीजें देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज पूरी रिसर्च आपस में इंटर रिलेट है। तो यू हैव टू बी सीन द वीडियो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, बिगिनिंग से देखिए आप, अदरवाइज यू कैन डिस्कस इन द कोचिंग सेंटर्स ऑल्सो, जो लोग भी बच्चे कोचिंग में आते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। सब चीजों की आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्वालिटेटिव मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि एक जो पूरी क्वालिटेटिव नेचर होगी, क्वांटिटेटिव वाली जो एक नंबर्स की बात करेंगे, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में पहले लिख लीजिए कि मैथड फॉर डेवलपिंग ए, मैथड्स फॉर डेवलपिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस एंड सोशल साइंस, ह्यूमन एंड सोशल साइंस, इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटीज की बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव में लिखिए मैथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस, इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड द पर्सनैलिटीज इन अ बेटर वे। यहां पर हम लोग डेटा बाय यूजिंग ए लॉट्स ऑफ टेक्निक, सच एज लॉजिकल टेक्निक्स। आगे इसमें हम लोग बात करते हैं ये कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, क्वालिटेटिव जो होती है वो हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव अप्रोच कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये हमारी क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव अप्रोच होती है और क्वालिटेटिव हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। यहां पर हम लोग इट एक्सप्रेस, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को, एक्सप्रेस यूजिंग द वर्ड्स, ये होता है एक्सप्रेस यूजिंग द ग्राफ्स एंड नंबर। यहां पर ग्राफ्स और नंबर की बात करते हैं हम लोग, यहां पर सब्जेक्टिव में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। जब हम अभी इसीलिए मैं बोला कि हर रिसर्च पूरी अपने आप में कोरिलेट है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। जब आप क्वेश्चनियर के मेथड आपको बताए जाएंगे कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड और मल्टीपल चॉइस और पिक्टोरियल और डाइक्टोमास, तो यहां पर सब्जेक्टिव में क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, यहां पर केवल कुछ रिस्पॉन्डेंट होंगे तब भी काम हो जाएगा, फ्यू रिस्पॉन्डेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहां पर आपको क्वालिटेटिव के लिए मेनी रिस्पॉन्डेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये सब पॉइंट्स याद रख लीजिए, आपको दोनों रिसर्च समझ में आ जाएगी। आगे बात करेंगे हम लोग तो डेटा कलेक्शन का जो मैथड्स होता है क्वालिटेटिव में, इसमें इंटरव्यू ये भी पूछ लेते हैं, कौन सा मैथड किसमें, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, एथनोग्राफी रिसर्च, एथनोग्राफी,
एंड लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग समटाइम हम लोग एक्सपेरिमेंट करके कुछ परिणाम निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हो गया हमारा, ऑब्जर्वेशंस हो गई, ऑब्जर्वेशंस हो गई, सर्वे, बट सब कुछ इस तीनों की तीनों चीजें एक्सप्रेस इन द नंबर्स, किसमें, नंबर्स में होता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक इन द नेचर, होलिस्टिक इन द नेचर की हम लोग बात करते हैं। एक पर्टिकुलरिस्टिक इन नेचर होती है, वो होलिस्टिक होती है, पर्टिकुलरिस्टिक होती है। क्लियर। जो क्वालिटेटिव होती है इट डेवलप द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा क्वालिटेटिव। ये होता है, इट रिकमेंड्स ए फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन, फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक। इसमें लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग क्वालिटेटिव में इंडक्टिव रिसर्च का यूज करते हैं, इसमें हम लोग डिडक्टिव रिसर्च का फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में डिडक्टिव होगा और इसमें हमारा क्वालिटेटिव में इंडक्टिव होगा। ठीक है, याद रखिएगा इंडक्टिव और डिडक्टिव, याद रखिएगा पक्का, क्योंकि बहुत ही बहुत बार पूछा था इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। क्लियर। ये थ्योरीज टू डेटा होता है, डेटा में कंक्लूजन करते हैं, और ये हमारा डेटा टू थ्योरी होता है, थ्योरी ड्रॉ करते हैं। तो क्वालिटेटिव में डेटा टू थ्योरी होता है, क्वांटिटेटिव में थ्योरीज टू डेटा होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च डिजाइन। तो हमने ऑलमोस्ट सब रिसर्च डिजाइन आप लोगों को कंप्लीट कर ली, स्टार्टिंग किया था हमने, दोबारा समझ लीजिए, जो नहीं पढ़ा है बता दीजिए, बेसिक फंडामेंटल एंड प्योर की बात किया, फिर एक्शन रिसर्च की बात किया हम लोगों ने, फिर अप्लाइड रिसर्च की हम लोगों ने बात किया, आपको डिस्क्रिप्टिव की हम लोगों ने बात किया, इवेल्युएशन रिसर्च की हम लोगों ने बात कर लिया पूरा तरीके से। कोई डाउट तो प्लीज बता दीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल की बात करी बेटा, अब लोग ऑफलाइन में फ्राइडे सैटरडे को क्लासेस लेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात किया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करा, हिस्टोरिकल की बात कर लिया, और प्रोग्नोस्टिक की बात की, डायग्नोस्टिक की बात किया, और इसके अलावा क्वालिटेटिव की बात कर लिया एंड क्वांटिटेटिव की बात कर लिया। तो ऑलमोस्ट 5, 6, 12 रिसर्च डिजाइन की हम लोगों ने बात कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो कोई डाउट हो तो बता दीजिए, उसके अलावा आप लोग एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे जिससे कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, एनी वन सेविंग नी डाउट प्लीज डू टेल मी। कल हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे, आज वाले में कोई डाउट हो तो बताइए। रामा बेटा, हम आपको दोबारा बताएंगे, ये ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तब को समझ में आ जाएगा, अगर जिसको भी कोई दिक्कत लगता है, एंड ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर कमिंग इन द ऑफलाइन कोचिंग्स आल्सो, दो दे कैन आस्क।
क्योंकि बेसिक बहुत सरल तरीके से हमने आपको सभी रिसर्च डिजाइन पढ़ाने की कोशिश किया है। उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो रिपीटेटिव क्लास अभी जून तक की पेपर है, जून तक की हम कई बार इसको दोबारा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लास्ट टाइम जस्ट आस्किंग टू यू, स्टिल एनी वन इज हैविंग अ डाउट डू टेल मी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम।